चत्वारि सद्बोध प्रकाशकाय आत्मा सन्मार्ग प्रदर्शकाय जयंत रत्न त्रयदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। नव पदोलिका आपने ले लेनी आता, आज तीसरा दिन। प्रथम दिन हमने अरिहंत पद की आराधना करी, द्वितीय दिन हमने सिद्ध पद की आराधना करी और आज आचार्य पद की आराधना करेंगे। अब ये जो नौ पद है, ये नौ पद में तीनों का समावेश है, देव गुरु और धर्म। आगे के जो दो पद है अरिहंत और सिद्ध, ये दो देव पद में आते हैं, अर्थात प्रभु पद में आते हैं, और आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीन जो पद है वो गुरु पद है, और बाकी के दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये चार पद है वो धर्म पद है। अर्थात देव गुरु और धर्म, ये तीनों का समावेश नव पद में होता है। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्ध भगवान तो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, तो उनका नंबर द्वितीय पद में क्यों है, जबकि अरिहंत तो वर्तमान में भी होते हैं। लेकिन अरिहंत भगवान का उपकार हमारे पर इसलिए विशेष है कि वो धर्म के स्थापक होते हैं, संघ के स्थापक होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, और जो उन्होंने जो धर्म की सत्ता हासिल की है, जो सत्ता में है, इसलिए वो सिद्ध से विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि सिद्धों के पास गुणों की समृद्धि हो सकती है, लेकिन अरिहंत भगवान के पास तो सत्ता होती है, इसलिए हमेशा सत्ता तो समृद्धि से ज्यादा चढ़ जाती होती है, क्योंकि जिनके पास समृद्धि होती है और जिनके पास सत्ता होती है, इन दोनों में से विशेष कौन होता है, पावर किसके पास रहता है, सत्ता वाले के पास या समृद्धि वालों के पास, सत्ता वालों के पास पावर रहता है, इसलिए सबसे पहले अरिहंत पद रखा गया है, क्योंकि अरिहंत भगवान नहीं होते तो ये धर्म की स्थापना कौन करता, और धर्म की स्थापना नहीं होती तो ये संघ की स्थापना कौन करता, और हमको ये मार्ग दिखाता भी कौन, इसलिए अरिहंत भगवान का हमारे पर विशेष उपकार होता है, इसलिए सबसे पहले नमो अरिहंतान पद रखा गया है, उसके बाद नमो सिद्धानम आता है, और तीसरा पद होता है नमो आयरियाणम, क्योंकि जो नव पद होता है इसमें आयंबिल की आराधना होती है, और आयंबिल जो तप की आराधना है वो मंगलकारी होती है। कोई भी कार्य होता है, कोई भी जीवन की शुरुआत होती है, कोई भी अच्छे कार्यों की शुरुआत होती है, तब आयंबिल की आराधना की जाती है, क्योंकि सारे तप में से आयंबिल तप को ज्ञानियों ने मंगलकारी बताया है। आयंबिल अमंगलहारी होता है, मंगलकारक होता है, और जितना भी जीवन में दुर्भाग्य होता है उनको सौभाग्य में बदलने की क्षमता आयंबिल में होती है। आयंबिल करने वाला चाहे कोई भी चीज नई शुरुआत करे, अगर उस दिन वो आयंबिल करके वो कार्य करता है तो उस कार्य में उसको सिद्धता हासिल होती है। कहीं भी जाओ, अगर हम भी कहीं भी चातुर्मास प्रवेश करते हैं तो चातुर्मास प्रवेश के दिन सबसे पहले गुरुदेव हम सबको आयंबिल करवाते हैं, क्योंकि आज चातुर्मास प्रवेश का प्रथम दिन है, तो चातुर्मास मंगलकारी हो, चातुर्मास अच्छा हो, इसलिए हम लोग आयंबिल की आराधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में भी, अगर सांसारिक जगत में आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे घर का ओपनिंग हो, चाहे दुकान का ओपनिंग हो, चाहे अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो, अगर उस दिन अगर कोई आयंबिल करता है तो उसका जीवन मंगलकारी हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि पहले ही लोग करते थे, आज भी वर्तमान में भी अभी अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जो शादी के दिन, विवाह के दिन हमारे पास से आयंबिल के पचकान लेके जाते हैं, और शादी के दिन ही आयंबिल करते हैं, क्योंकि उनका दाम्पत्य जीवन आयंबिल करने से अच्छा हो सकता है और सफल हो सकता है, इसलिए शादी के लिए बाकी के सारे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मेहमान होते हैं, वो तो सारे रिसेप्शन में खाना खा लेते हैं, लेकिन दुल्हन या दूल्हा जो होता है वो आमिल करता है, और कितने ऐसे लोग हमारे पास पचकान लेते हैं, क्योंकि आज हम दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए महाराज साहब जी हमको आमिल के पचकान दो, ऐसे भी लोग होते हैं, इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि आमिल
की आराधना मंगलकारी है, आमिर की आराधना करना चाहिए। वो द्वारिका नगरी जो दीपायन ऋषि के श्राप से जलने वाली थी, और सारे द्वारिका वासी नेमिनाथ भगवान के पास गए कि भगवान इस द्वारिका नगरी को दीपायन ऋषि जला देंगे, इसका कोई उपाय बताओ। तो भगवान नेमिनाथ ने कहा कि हर घर से प्रतिदिन एक आमिर होगा, तब तक ये द्वारिका को कोई नहीं जला सकता। और तब से एक नियम बना लिया गया कि हर घर से एक आमिल होना चाहिए, और आमिल होते भी गए। जब तक आमिल होते रहे तब तक दीपायन ऋषि द्वारिका को जला नहीं सके। और एक दिन जब एक डोकरी माजिया का जब नंबर आता है तो वो माजिया ऐसा सोचती है कि इतने लोगों ने आमिल कर लिए है, अगर आज मैं नहीं भी करूंगी तो कौन सी द्वारका जलने वाली है। उसी दिन उसने आमिल नहीं किया, वो श्रृंखला टूट गई, वो कड़ी टूट गई। जैसे ही आमिल टूटा और दीपायन ऋषि को मौका मिल गया और उन्होंने द्वारका नगरी को जला दिया। इसलिए कहते हैं कि आमिल की आराधना हर हमेशा होना चाहिए, अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आमिल खाने से, आमिल करने से हमारी जो खाने की वृत्ति है, हमारी जो स्वाद की वृत्ति है, उससे हमको छोड़ने का एक अवसर मिलता है। जब तक त्याग स्वाद की वृत्ति नहीं छूटती तब तक आमिल आराधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जहां जहां स्वाद वृत्ति है वहां वहां निकाचित कर्मों का बंद होता है। और जब स्वाद वृत्ति छूट जाती है तो हो सकता है कि हम हमारे कर्मों का निचर का कारण ये आराधना हो सकती है। ऐसे ही जब श्रीपाल महाराजा वो अपने कोढ़ रोग से जब वो ग्रस्त हो चुके थे, उनके साथ रहने वाले 700 लोगों को भी कोढ़ों ने घेर लिया था, उस समय उनके जीवन में मैना सुंदरी नाम की एक आर्य संन्यासिनी का प्रवेश होता है, उनकी जीवन संगिनी बनकर वो आती है। वो जो मैना सुंदरी होती है वो देव गुरु की उपासिका होती है, धर्म की जानने वाली होती है, जिसने जिन सिद्धांत को अपने रग रग और रोम रोम में बसा लिया था। ऐसी मैना सुंदरी से जब उनका विवाह होता है, उसके बाद मैना सुंदरी उनको आराधना करवाती है। आराधना करके वो अपने पति का जीवन जो कोड़ों से गिर गया था उससे वो मुक्त होती है। और होली की आराधना करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, नौवे दिन में तो पूरा जड़ मूल से निकल जाता है और उनकी काया कंचन जैसी हो जाती है। ये सारा प्रभाव सिद्ध चक्र और नवपद का है। ऐसा कहा गया है कि वर्तमान में भी नवपद का प्रभाव है, नौका का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि सदियों पहले इसका प्रभाव था, बस उसकी कमी है, तो हमारी श्रद्धा की कमी है। हमारे गुरुदेव के परम भक्त है, अगर आप पहचानते हो तो जयंत जी भाटिया, उनके भाई गौतम जी भाटिया, उनको भी कुष्ठ रोग हो गया था। उनकी माता हर हमेशा प्रति वर्ष हमारी यहाँ नौका आराधना करने आती थी। जब इनका रोग इतना घेर गया था उनके शरीर में से पस रोज निकलता, और उनकी पत्नी कबूतर का पंख लेकर हर रोज वो पस साफ करती, और पस भी इतना निकलता कि कटोरा भर जाता। और सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर लिए थे, सबने बोल लिया था कि इसकी अब कोई दवाई नहीं हो सकती, अब तो आप उनको घर ले जाओ, रोज सफाई करो और जितना हो सके इतना उनको आराम देने की कोशिश करो, क्योंकि रोगों ने पूरा शरीर घेर लिया है, रोगों से पूरा शरीर ग्रस्त हो चुका है, अब इसकी कोई दवाई नहीं है। उन्होंने बाहर भी देशों में बताया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब इसकी कोई दवा नहीं हो सकती। तब उनकी माता जो यहाँ पे आराधना करने आती थी, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तू कहाँ भटक रहा है, अपने पास तो नौका है, तू यहाँ से जा गुरुदेव के पास, गुरुदेव तेरे को नौका देंगे, और जहाँ कोई दवा काम नहीं करती वहाँ नौका काम करेगा। और वो लोग राजगढ़ चातुर्मास में आते हैं और गुरुदेव को अपनी आप बीती सुनाते हैं। गुरुदेव उन्हें कुछ भी नहीं देते, सिर्फ नौका का वास्तक्षेप देते हैं और कहते हैं कि नौका का वास्तक्षेप लो और गुरुदेव का नाम लो, धीरे धीरे नौका के प्रभाव से आपका रोग दूर हो जाएगा। उन्होंने एक पड़ी के लिए, दो ली, तीन ली, चार पड़ी के लेते लेते तो उनका सारा पस सूख गया, और वापस वास्तक्षेप मंगवाते हैं और सारे वास्तक्षेप के प्रभाव से उनका शरीर पहले जैसा हो जाता है, पहचान में नहीं आए ऐसा शरीर हो जाता है। जब उनको डॉक्टरों के सामने खड़ा कर दिया तो डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि कौन से डॉक्टर ने आपको अच्छा किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा डॉक्टर और कोई नहीं है, हमारे गुरुदेव है, हमारा नौकार है,
तब वो डॉक्टरों को विश्वास करने पड़ा कि जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है, जहां दवा का रास्ता खत्म हो जाता है वहां से आस्था का रास्ता शुरू होता है। इसलिए कहते हैं हर हमेशा पति वसु यहाँ आते भी है हमारे चातुर्मास में और खड़े होकर वो अपनी आप बीती सब लोगों को सुनाते भी है। आज इसी वक्त नहीं आए शायद, लेकिन आज कभी कभी आज आएंगे तो वो आपको प्रवचन में खड़ा करके उनको सुनाएंगे। तो नव पद का जो प्रभाव है वो तो शाश्वत है। अगर कमी है तो हमारी श्रद्धा की कमी है, हमारी आस्था की कमी है। अगर ऐसी आस्था से ऐसी श्रद्धा से अगर हम आमिर की आराधना करते हैं तो हो सकता है कि नव पद हमारे लिए फलदायी साबित हो सकता है। अब वो शिवपाल की माता और मैना की माता वो दोनों मिल चुके हैं और अपने घर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करके अब आगे क्या बात होती है वो विनय विजय मास्टर जी घर में लिखते हैं। कहे कमला रूपा सुनो अंग अनुपम देश रे, यहाँ चंपा नगरी बली रे, जी हाँ नहीं पाप प्रवेश रे। तेह नगर नो राजियो रे, राज गुणे अभिराम रे, सिंह थकी रथ जोड़ता रे, प्रगट हो चेतस नाम रे। रानी तस कमल प्रभारे, अंगद रे गुण सेन रे, कोंकण देश नरिंदनी रे, जे सुनिए लघु बहन रे। राजा मन चिंता गणी रे, पुत्र नहीं अम को रे, रानी पण आरती करे रे, निस्दिन जूरे पूछता एक रे। रानी सुत जनम्यो यथारे, विद्या जाने विवेक रे, नगर लोक सविहर खियारे, घर घर तोरण ताट रे, आवे गणाव दामनारे, सणगार्या गर सुंदरी पूछती है कमल प्रभाव के आप अपना परिचय दो, आपके कुएं का परिचय दो कि आप कहां के हो, आपका घराना कौन सा है, आपका परिवार कौन सा है, आप कहां पर रहते हो और आपके पति का नाम क्या है। तब कमल प्रभा कहती है कि सुनो, अंग देश है और अंग देश की प्रसिद्ध नगरी है चंपापुरी, जो वासु पूज्य स्वामी की जन्मभूमि है वो अंग देश में है। वो अंग देश में चंपापुरी के सम्राट पहले की स्त्रीय अपने पतियों के नाम नहीं लेती थी, इसलिए अपने पति का नाम वो कहती है कि अगर कोई रथ को सिंहों के साथ जोड़ा जाए और सिंह जब रथ के साथ जुड़ता है तब जो नाम बनता है वो मेरे पति का नाम है। अर्थात उनका नाम सिंह रथ है और सिंह रथ राजा चंपापुरी में राज्य कर रहे थे। मैं उनकी पत्नी थी, हमारे बीच में सारी सुख संपत्ति थी, सारी सुख संपत्ति थी, कोई भी बात की तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक तकलीफ ये थी कि हमारे वहां कोई संतान नहीं थी। अब इस राजगद्दी को कौन संभालेगा, हमारे बाजपन को दूर करने का कोई उपाय हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए हम दुख से हमारा जीवन जिए जा रहे थे। जहां गए कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा, किसी भी वैद्य की वहां नहीं छोड़ा, हर जगह पूछा गया लेकिन इसका इलाज कहीं नहीं मिला। आखिरकार ऐसा कहते हैं कि परिश्रम करते करते कभी कभी फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करते करते ऐसे अच्छे समाचार हमको मिले कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति के ऐलान आने लगे और मुझे गर्भ के लक्षण दिखने लगे और सारे राजमहल में खुशी का वातावरण छा गया, सारे राज्य में आनंद छा गया। क्योंकि बहुत वर्षों के बाद हमारी इच्छा पूरी होने वाली थी, हमारी कामना पूर्ण होने वाली थी और समय जाने पर हमने एक तेजस्वी और अच्छे पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका चेहरा इतना तेजस्वीता वाला था कि उसको देखकर हम सारे दुख भूल जाते और जन्मोत्सव मनाने लगे। सारे नगर में
सारे नगर को सजाया गया, सारे नगर में जितने भी कैदी थे उनको छोड़ा गया और सारे नगर में आनंद कल्लोल से पूरा महोत्सव मनाया गया। और उनके जब नामकरण रखने की बात आई तब सारों ने मिलके उनका नाम श्रीपाल कुंवर रखा, जो श्री अर्थात लक्ष्मी और पाल अर्थात उसको पालने वाला। तो जो लक्ष्मी का पालक है, जो लक्ष्मी का मालिक है, ऐसा नाम देखकर उसका नाम श्रीपाल नाम रखा गया। और ऐसा कहते हैं कि जब आनंद के दिन होते हैं और खुशी के दिन होते हैं वो सारे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। हमको भी पता नहीं चला कि 5 साल कहाँ बीत गए और हमारा बेटा 5 साल का हो गया। और 5 साल जाते टाइम नहीं लगा क्योंकि हम तो हमारे संतान का चेहरा देखते ही खुश हो रहे थे। और खुशी के दिन और पर्व के दिन बहुत छोटे होते हैं। और 5 साल का जब श्रीपाल हुआ तब उसके पिता सिंहरथ को एक दिन सोल दर्द हुआ, और ऐसा दर्द हुआ जिसका इलाज कोई वैद्य के पास नहीं था। और एक रात में वो यहाँ से चल बसे। अब हमारा आधार चला गया था, श्रीपाल भी 5 साल का था। अब मैं क्या करूं, मैं रोती बिलखती उनकी उनके पास पड़ी थी। तब हमारे मंत्री स्वर ने आके हमको समझाया कि क्षत्रियों की जब मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु पर ऐसे रोया नहीं जाता है। आप तो समझदार है, आप तो धर्म को जानती है, इसलिए आप इस शोक से दूर होकर अब अपने आने वाले जो संतान है, आने वाले जो समय है, आने वाले दिन है, उसकी चिंता करें और श्रीपाल पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि अब श्रीपाल और राज्य की जिम्मेदारी आपकी है और आप जब तक अगर शोक से बाहर नहीं आएगी तब तक आप कैसे संभालेगी। इसलिए इस स्थिति को समझो और आगे की सोचकर सारा रोग शोक दूर कर अब श्रीपाल पर ध्यान केंद्रित करो। तो रानी ने कहा ठीक है, अब श्रीपाल को 5 साल का भले रहा लेकिन राज्य गादी सुनी नहीं रखी जाती, इसलिए उसको 5 साल की उम्र में ही उसका राज सिंहासन का राज्य अभिषेक कर दिया जाए। और राज्य अभिषेक की भी तैयारी हो गई और 5 साल के श्रीपाल को राजगद्दी पे बैठा दिया गया। और जब उसके काका अर्थात सिंहरथ का छोटा भाई अजित सेन उनका काका रिश्ते में काका लगता था लेकिन मन के वो बहुत बड़े दुराचारी थे, दुर्जन थे। उनको राज्य के लोग से उन्हें लगा कि अगर श्रीपाल की मौत हो जाए, श्रीपाल को अगर मार दिया जाए तो ये सारी चंपापुरी का राज्य हमें मिल सकता है। इसलिए उन्होंने सामने से तो नहीं लेकिन एक षड्यंत्र रचा और बहुत सारे लोगों को अपने में मिलाकर एक षड्यंत्र एक योजना बनाई और श्रीपाल को मारने का एक जो षड्यंत्र योजना बनाई थी उसको कब सही साबित करना वो दिन का वो इंतजार कर रहे थे। ये बात गुप्तचरों द्वारा अपने मंत्रियों को पता चलता है। मंत्रियों ने जब ये सुना तब उनको लगा कि कमल प्रभा और श्रीपाल के जीवन को खतरा है, इसलिए उनको यहाँ से कहीं दूर भेजने में अपनी समझदारी है। वो अपनी कमल प्रभा रानी के पास जाते हैं और समझाते हैं कि माता आप अपने कुंवर को लेके कहीं दूर चली जाओ क्योंकि श्रीपाल कुंवर अगर जिंदा रहेंगे जीवित रहेंगे तो कभी भी ये राज्य वापस ले सकते हैं और इस राजगादी पर बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर सर होता है, सर सलामत रहेगा तो पगड़ी 1000 मिल सकती है, अगर सर ही नहीं रहेगा तो हम पगड़ी कहाँ पे बांधेंगे। इसलिए आप कुंवर को लेके आज रात को ही यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आपके देवर अजीत सेन ने आपको और आपके कुंवर को मारने की योजना बना ली है। और रानी नहीं चाहते हुए भी अपने पुत्र की मोह के कारण, अपने पुत्र की चिंता के कारण रातों रात वहां से निकल जाती है। पूरे जंगलों में रात को अंधेरे में भटकती भटकती कहीं और दूर जा पहुंचती है। उसे नहीं पता है कि मैं कहां जा रही हूँ। पूरी रात चलने के बाद जब वो थक जाती है, थक के जब वो आराम करती है, सुबह में उठती है, तब सुबह में उठते ही सबसे पहले 5 साल का बालक उनसे दूध मांगता है, साकर मांगता है कि माँ मुझे भूख लगी है, दूध लाके दो, फल फ्रूट लाके दो। तो अपनी माता उससे कहती है कि बेटा दूध और साकर तो अब गए अपने दिन, अब तो जो मिले इनसे पेट भरा जाना है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक इस स्थिति को क्या समझे, लेकिन फिर भी रोने लगता है और माता उसे चुप कराती है। चुप कराते कराते देखती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ और अपने बच्चे का पेट कैसे भरूँ। दूर से देखता है तो कहीं से 500-700 लोगों का एक टोला वहां आ रहा है।
वो इसमें से एक जो बड़ा आदमी था, जो अनुभवी था, वो देखता है कि कोई दुखी बहन यहाँ बैठी है, अपने बेटे को लेके बैठी है, और उसके हालत से लगता है कि उसने कोई तकलीफों ने आके घेर लिया है। वो आदमी वहां जाता है और कमर दबा से कहता है कि बहन क्या चिंता है, क्या दुख है? तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ आई हूँ लेकिन मेरे बेटे को भूख से पीड़ित है, उसके लिए कोई खाने की चीज खाना ला के दो। इतने में देखते हैं कि अजीत सेन के लोग, जो उसके देवर के लोग थे, उसको ढूंढते ढूंढते उसको मारने के लिए वहां दूर से वो देखती है कि वो लोग आ रहे हैं। अब अपने बेटे को बचाना कैसे, तो वो बेटे को वो लोगों को वो सौंप देती है और वो लोग उसे ले लेते हैं। वो जो लोग थे वो सारे कुष्ठ रोगी थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ी हो गए थे। अब बेटे को जब उनको सौंप दिया, तब जब सारे सिपाही वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि कुंवर हमको दे दो, तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास आओगे तो ये जो हमारा रोग है वो आपको भी हो सकता है, अगर आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, तो हमको स्पर्श करो और हमको ले जाओ। लेकिन खबरदार, अगर जो हमको आपने स्पर्श किया, हमको आपने छुआ, तो ये जो हमको जितना भी रोग हुआ है वो आपको हो जाएगा। तो सारे सैनिक उनको बिना स्पर्श किए, बिना छुए और बिना लिए वहां से निकल जाते हैं। अब रानी कमल प्रभा सोचती है कि मैं नगर में जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ, तब तक आप मेरे कुंवर का ख्याल रखना। जब वो खाना लेकर आती है और देखती है कि उसके बेटे में कुष्ठ रोग के चिन्ह आना शुरू हो गए थे और अपने शरीर में भी कुष्ठ रोग आने लगा था। अब उन लोगों ने कहा कि माताजी, अब आप हमको सुना और अपने बेटे को भी मत सुना, क्योंकि ये रोग आपको भी हो सकता है। आप तो कहीं जाओ और वैद्य की तलाश करो, हम उसका ध्यान रखेंगे, उसकी खबर रखेंगे, और खबर रखेंगे जब आप मिलोगे, तब जब इनका पता चल जाए तब आप उसे ले जाना, अन्यथा आप उसे स्पर्श मत करना, हो सकता है कि वो आपकी संतान है लेकिन ये रोग आपको भी हो सकता है। ऐसा कहकर वो वैद्य की तलाश में जाती है। जहां भी जाती है, जो भी डॉक्टर को मिलती है, जो भी वैद्य को मिलती है, सारे वैद्य उसे एक ही बात कहते हैं कि जब तक रोगी सामने नहीं होता है तब तक हम कोई भी इलाज नहीं कर सकते। अब वो ढूंढती ढूंढती बहुत दिन बीत जाते हैं और एक कोढ़ी रोग भी वहां से घूमते 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 उज्जैनी नगर आ जाते हैं और उनकी मैना की साथ शादी भी हो जाती है और यहाँ पे रहती है। अब जो कमल प्रभा है वहां से जाते जाते उसे कोई रास्ता नहीं मिला, तब वो एक गुरुदेव के प्रवचन में जाती है और महाराज शिव से पूछती है कि महाराज, आप तो ज्ञानी है, आप तो अंतर्यामी है, बताओ मेरे बेटे का क्या हुआ होगा, मेरा बेटा अभी कहाँ है, उससे रोग ज्यादा हो गए या कम हुआ है? तो वो महाराज साहेब जी अपने अवधि ज्ञान में देखकर उन्हें बताते हैं कि तुझे कोई भी चिंता करने का कारण नहीं है, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। जो धर्म की शरण में जाते हैं वो धर्म उनकी तकलीफें, उनके दुख दर्द दूर करने की क्षमता रखता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, आपका बेटा सही सलामत है, आपके बेटे के सारा रोग जो है वो दूर चला गया है, उनका शरीर कंचन जैसा हो गया है और अभी वो उज्जैनी नगरी के प्रजापाल राजा के जमाई बने हुए हैं। आप तो यहाँ से सीधे उज्जैनी जाओ, वहां पर आपका बेटा आपको मिल जाएगा। ऐसा कहकर मैं महाशय जी कहने से उज्जैनी में आई तो मैं आपको मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं तो मेरी बहू को जितनी धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि इसके प्रभाव से ही ये सारा कार्य सफल हुआ है। और जो लोग, जो डॉक्टर लोग नहीं कर सके, जो वैद्य लोग नहीं कर सके, वो धर्म ने कर दिखाया है, इसलिए मैं तो मैना को जितने भी आशीर्वाद दूं इतने कम है। तब कमल प्रभा सोचती है और रूप सुंदरी को कहती है। रूप सुंदरी भी खुश हो जाती है कि वास्तव में धर्म की ताकत होती है, धर्म का प्रभाव होता है, जो अपने अंतर मन से जो धर्म की आराधना करता है धर्म उनकी रक्षा अवश्य करता है। अब रूप सुंदरी खुश होकर अपने भाई पुण्यपाल की वहां जाती है, क्योंकि वो नाराज होकर अपने भाई पुण्यपाल के वहां आ गई थी। और जब वो घर पे पहुंचती है तब पुण्यपाल
देखता है कि मेरी बहन रूप सुंदरी अभी तक जो दुखी थी, अभी तक जो व्यथित थी और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन आज इतनी खुश क्यों है, उसका चेहरा इतना प्रसन्नता से भरपूर क्यों है। वो पूछता है कि भगिनी आज ऐसा क्या हुआ है जो इतने दिनों का दुख दर्द तू भूल गई और चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है। वो कहती है भैया मैं आपको क्या कहूँ, मैंने आज मैना सुंदरी को देखा है और आपको बताने में मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमने जिस हालत में और जिस रोगी के साथ उसको छोड़ा था वो रोगी कोई और नहीं लेकिन चंपा नगरी के राजकुमार श्रीपाल कुमार है और उनका शरीर तो पहले से देव कुमार जैसा हो गया है। मुझे तो लगता है कि उसके जितना सौभाग्य और जगत की कोई सुंदरी का नहीं होगा। उनके सासू जी को भी मैं मिली हूँ और उनको मिलके अभी आ गई हूँ, वो अभी उज्जैनी में है। तो पुण्यपाल सोचते हैं कि तो भी देर किस बात की है, हमारे जमाई को हमको वास्ते गास्ते हमारे घर लाना चाहिए। और उसी शाम को वो विनती करने के लिए श्रीपाल कुंवर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जमाई राजा ये तो आपका ससुराल है, मैं तो आपका मामा ससुर होता हूँ, आप यहाँ रहो उचित नहीं है, किसी और के घर रहना हमारे होने के बाद भी इसमें हमारी इज्जत कम होती है, अगर इसमें ही हमारी शोभा है कि आप आके हमारे घर पर रहो और हमने सारी तैयारियां कर दी है। तब श्रीपाल अपनी माता को पूछते है, माता कहती है कि बेटा वडिलों की बात मानना चाहिए, जो अपनों से बड़े होते है वो अपने के अच्छे के लिए भी कहते है। इसलिए श्रीपाल क्योंकि वो विनयवान थे उन्होंने अपनी बात को स्वीकृति दे दी कि मैं आऊंगा आपका तैयारी कर लेना। और दूसरे दिन बाजते गाजते बाजों के साथ अपने घर में वो प्रवेश करवाते हैं। श्रीपाल कुंवर साथ में है, मैना सुंदरी साथ में है और साथ में कमल प्रभा भी है। वो सारे अपने घर में प्रवेश करवाने के बाद आनंद प्रमोद से रहने लगे है, लेकिन इतना होने के बाद भी मैना सुंदरी ने धर्म आराधना नहीं छोड़ी। धर्म का जो भी प्रभाव है उसको पता था कि धर्म के प्रभाव से मुझे मिला है, इसलिए धर्म को छोड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं होती है, क्योंकि मेरा जीवन तो धर्म से ही है। इसलिए इतना होने के बाद भी वो आराधना साधना करती रही और आनंद प्रमोद से अपना जीवन बिता रही है। और वहाँ पुण्यपाल राजा ने सरस सुंदर एक संगीत का माहौल खड़ा किया है और संगीत बज रही है और संगीत का आनंद लोग ले रहे हैं। इसमें श्रीपाल भी बैठे हैं, मैना सुंदरी भी बैठी है, सारे लोग बैठे हैं। और वहां से निकलते हैं कौन से राजा, प्रजापाल राजा जो मैना सुंदरी के पिताजी थे, वो वहां से निकलते हैं। वो सुनते हैं कि मेरे बहनों के मेरे साले के घर से एक कौन सी आवाज आ रही है, उनके घर में कोई अवसर आया है, कोई उत्सव आया है। वो ऊपर जाके देखते हैं तो मैना सुंदरी कोई नव युग के साथ बैठी है और वो देखते ही क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध से जब ओतप्रोत होने के बाद उनका चेहरा ऐसा हो जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मैंने तो मैना सुंदरी को किसी कोढ़ी रोगी के साथ दे दिया था, अब देखो उसका धर्म कहाँ गया, उसकी समझदारी कहाँ गई, उसने तो वो रोगी को छोड़ दिया और दूसरे नव युग के साथ शादी कर ली, लेकिन तब से मेरी बेटी मर चुकी थी, अब ये मेरी बेटी नहीं है। इतने में रूप सुंदरी आती है, जब अपने पतिदेव को देखती है, पतिदेव के पास जाती है।